सूरत में हमेशा खेलने में बहुत मज़ा आता है, नो मैटर व्हाट द रिज़ल्ट इज़, लेकिन हमेशा अच्छा खेल पाया हूँ। लेकिन साथ साथ इस बार जो नेशनल गेम्स हो रहा है, नया एक फीलिंग है, क्योंकि एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जहाँ पे दूसरे स्पोर्ट से भी प्लेयर्स आते हैं, काफ़ी कुछ यंगस्टर्स को दूसरों प्लेयर्स से सीखने को मिलता है, और ये एक अलग ही फीलिंग है जो होम टाउन में इस बार देखने को मिल रही है, और काफ़ी एक्साइटेड हूँ और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतें। बहुत ही खुशी की बात है कि नेशनल गेम्स 7 साल बाद हो रहा है, और बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक ग्रैंड इवेंट है नेशनल गेम्स, सभी को खेलने की इच्छा होती है, और 7 सालों बाद जब लास्ट टाइम गुजरात के लिए खेला था, केरला में था, और वहाँ पे 3 मेडल्स जीत पाया था, तो बहुत एक्साइटेड था। इतने सालों से होप कर रहा था कि कहीं पे होगा, गोवा में होने वाला था सुना था, लेकिन फाइनली गुजरात में हो रहा है, होम सिटी में हो रहा है, सपोर्ट काफ़ी रहेगा, स्पेक्टेटर्स आएंगे, तो बहुत एक्साइटेड हूँ और आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत। Gujarat government has helped me a lot. Since 2009 I have been part of the Shakti Dut scheme and it has been the pillar of support for me, aur kehna chahunga ki yahan tak jo pahuncha hu Gujarat government ke wajah se, Shakti Dut scheme ho, khel pratibha puraskar ho, ya fir jo khel mahakumbh bhi shuru kiye last kuch saalon se, kitne athletes kitne players ko fayda hua hai, aur khaas karke is bar ka jo national games सिर्फ 3 महीनों में कंडक्ट करना बहुत ही बड़ी बात है, जो कोई स्टेट और नहीं कर पाया वो गुजरात ने करके दिखाया इतने छोटे समय में। काफ़ी एथलीट्स को, काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन्स, अपकमिंग एथलीट्स को प्रोत्साहन मिलेगा, एक पोडियम मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, और एक ये भी प्लेटफॉर्म है स्पेक्टेटर्स के लिए या बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के अंदर एंटर करने के लिए। इतने स्टार्स आएंगे अलग अलग गेम्स के और ऑल ओवर इंडिया से, जो कॉमनवेल्थ या ओलंपिक्स में भी मेडल जीत चुके होंगे, तो बहुत ही बड़ी बात है गुजरात के अंदर आज इतने स्टार्स आने वाले हैं, जिससे एक प्लेटफॉर्म हर प्लेयर के लिए बनने वाला है।